देश दुनिया में कोरोना का खतरा, साउथ कोरिया जापान के नागरिकों की एंट्री रोकेगा चीन, भारत में कोवैक्सीन बूस्टर डोज पर फैसला। कैलिफोर्निया में 3.4 करोड़ लोगों पर बाढ़ का खतरा, 2.2 लाख घरों में बिजली नहीं, कई इलाके डूबे, अब तक 17 की मौत। प्रिंस हैरी की आत्मकथा ने तोड़े बिक्री के रिकॉर्ड, ब्रिटेन में पहले दिन 4 लाख कॉपियां बिकी, किताब में शाही परिवार के अनसुने किस्से। नहीं होगा तीसरा विश्व युद्ध, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा रूस से जंग में हालात बदल रही हैं, हमें जीत का पूरा भरोसा। दिवालिया होने से बचेगा पाक, सऊदी देगा $5 अरब लेकिन खर्च करने के लिए नहीं, जिनेवा से $10 अरब मिलने का भरोसा। इमरान खान की वार्निंग, पूर्व पीएम बोले अफगानिस्तान पर हमले की गलती ना करे पाकिस्तान, जंग शुरू हुई तो खत्म नहीं होगी। ब्राजील में पुलिस की मिलीभगत से संसद पर हमला, राष्ट्रपति लूला ने लगाया आरोप, कहा साजिश करने वालों को ढूंढ निकालने की शपथ लेता। रक्षा मंत्रालय ने डिफेंस सिस्टम के लिए प्रस्ताव को दी मंजूरी, एंटी टैंक मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम के लिए 4,276 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी। झारखंड में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ के दौरान आईईडी विस्फोट, सीआरपीएफ के 5 जवान घायल। धमतरी जिले के दौरे पर सीएम भूपेश बघेल, चितौरा में बनेगा हाई स्कूल और मिनी स्टेडियम, 31 मार्च को आएगी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त। जोशीमठ में फिर से बदला मौसम का मिजाज, शुरू ही पहाड़ों पर बर्फबारी, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब और केदारनाथ की ऊंची चोटियों पर हल्की हिमपात होने की संभावना। कोरबाई नगर परिषद ने तार फेंसिंग पर बनाई अस्थायी गौशाला, सीएम राइज स्कूल के पास बनाई अस्थायी गौशाला, आवारा मवेशी सहित गायों से किसानों को मिली राहत। कवर्धा में 10 से 15 जनवरी तक नवकुंजीय श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ एवं संगीतमय रामकथा का आयोजन, भगवान नागादेव तीर्थ स्थल पर आयोजन। महुबा में रात में बीच सड़क आदिवासी समुदाय के दो पक्षों में मारपीट, वैन बसेरा में रह रही दोनों पक्षों में चले लाठी डंडे, हुआ पथराव, पुलिस कर रही है आरोपी की तलाश। सीआईएसएफ की तत्परता से बची एक युवती की जान, मेट्रो ट्रेन की पटरी पर गिरे सामान को उठाने झुकी थी युवती, सीआईएसएफ कर्मी ने समय रहते युवती को बचाया। टीकमगढ़ जिले में किसानों के खेतों में भरा पानी, किसानों को नुकसान, रामपुरा में तालाब का पानी ओवरफ्लो होने के कारण भरा पानी, किसानों को मुआवजे की उम्मीद। बुरहानपुर में ट्रैफिक पुलिस की अनोखी पहल, नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों को पुलिस ने फूल देकर किया सम्मानित, नियमों का पालन करने की दी समझाई। कन्नौज पहुंचे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर मां फूलमती देवी के ये दर्शन करने के बाद सपा कार्यकर्ता के शोका कुल परिवार से भी मिले अखिलेश यादव। गोंडा में जिला अस्पताल में आवारा कुत्तों का जमावड़ा, मरीजों के वार्डों को बनाया कुत्तों ने अपना आशियाना, मरीजों को कुत्ते के काटने का डर, प्रशासन के कोई इंतजाम नहीं। कानपुर में रबड़ प्लास्टिक के टुकड़ों को भट्टों में जलाने का काम, रबड़ जलाने से प्रदूषण का बढ़ा खतरा, रबड़ के धुएं से रहवासी परेशान। मयापुरा में हांडिया में खेल मैदान में वंचित खेल प्रतिभाएं, आरक्षित भूमि पर लोगों ने किया अवैध अतिक्रमण, खेल मैदान के संबंध में कई बार क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि को भी कराया अवगत। पुरानपुर में भी प्राचीन सिद्धेश्वर गणेश मंदिर में भगवान गणेश को 52,000 लड्डुओं का भोग, 2100 महिलाओं ने सामूहिक पाठ व भजन कीर्तन किया, सांसद विधायक समेत हजारों लोगों ने दर्शन कर लिया। बुरहानपुर में प्राचीन श्री गणपति मंदिर में लगा शंकर चतुर्थी पर वार्षिक मेला, सुबह 3 बजे से 51 लीटर दूध से हुआ अभिषेक, 150 वर्ष पुरानी है भगवान गणपति की मूर्ति। टीकमगढ़ में 2 युवकों को ट्रक ने मारी टक्कर, एक की मौत, दूसरा जबलपुर रेफर, घर वापस लौटते समय ट्रक ने मारी थी टक्कर। बजट से पहले बाजार में उतार चढ़ाव बरकरार, हल्की गिरावट के साथ बंद हुए सेंसेक्स निफ्टी, लाल निशान से साफ बंद हुआ शेयर बाजार।